सर सर ये क्या अभी सोनिया जी अभी भी डांस करती है क्या? अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? अच्छा बात नहीं है। अब आप सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन आप मुंबई से हैं तो ये सवाल बनता जरूर है। बेहतर अदाकारा कौन, दिखाइए, स्वरा भास्कर या कंगना रनौत? कंगना रनौत। ओके, इमोशनल डैमेज पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। देखा स्वरा भास्कर ने, स्वरा बास्टर्ड ने अपने भाई से शादी कर ली। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि क्या फालतू का टॉपिक आप लोग चला रहे हैं। उसने और किससे शादी करनी थी? मतलब आप चाहते थे कि वो हमारे किसी हिंदू भाई से शादी करती और फिर उसको नकली रेप केस में, डाउरी केस में, डोमेस्टिक वायलेंस केस में फंसाती और वो बेचारा अपने टुकड़े कर लेता। अब उसने जिस समुदाय में शादी करी है वो बेचारी और क्या करे, जब उसको पता ही नहीं है वो क्या है। एनआरसी के वक्त उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि उनको कुछ नहीं पता वो कहाँ से निकली हैं, कहाँ से टपकी हैं, कितनों के घर उजाड़ के उनको, किस बद्दुआ से उनका जन्म हुआ है, उनको कुछ नहीं पता, उनके पास कोई कागज नहीं है। तो अब जब सच में कागज दिखाने पड़ेंगे तो कोई बड़ा नेता ही तो किसी पार्टी का उनको बचाएगा। और उनकी कोई मूवीज चल नहीं रही, ए से लेकर जी ग्रेड सारी मूवीज वो कर चुकी, अडल्ट फिल्म्स वो कर चुकी और तब भी उनकी मूवी कोई नहीं देखता। अब उनके भाई जो उनके हस्बैंड का जो समुदाय है उसमें 200-250 लोग तो उनकी मूवी देख लेंगे। मतलब आप लोग क्या चाहते हो, मतलब कोई बंदा अपने आपको फेमस ना करे है? आपने उनका ट्विटर अकाउंट देखा, जितने उसमें 726 लोग जो वो फॉलो करती हैं सारे लेफ्टिस्ट और टुकड़े टुकड़े कांग्रेसी गैंग के लोग हैं। तो जाहिर है मतलब वो बिचारी ने अपना पूरा एक कंडक्ट ठीक रखा। मैं कहती हूँ कि वो हरामी भी है, जैसे महुआ मित्रा जी ने कहा था कि हरामी इज ओनली अ सिनर, वो हरामी भी है स्वरा भास्कर, पर उससे उनकी शादी का कोई लेना देना नहीं है। उसने अपने भाई से कर ली, उसने अपने भाई से कर ली, वो अपने सगे भाई से भी कर सकती थी जी, अपने मामा से भी कर सकती थी, क्योंकि उनको पता ही नहीं है वो कौन है, उनको यही नहीं पता वो निकली कहाँ से है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, ये गलत बात है। अरे जो लेडी ओपनली ट्विटर पर गू बेयर जैसे इंसान को, जो गू ही बोलता है अपने मुंह से, सपोर्ट कर सकती है, वो अपने भाई से शादी नहीं कर सकती? आपके भाई से कर लेती। ऐसे किसी लेडी की ना छवि खराब मत करिए, ऐसे किसी लेडी का जितना भी गंदा आचरण हो, कितना भी गंदा चरित्र हो, आप उसके लिए ऐसे नहीं कह सकते। उसको फ्रीडम है, वो कुछ भी कर सकती है। वो हिंदुस्तान में आज भगवान करे कि उनके शौहर उन्हें पाकिस्तान ले जाए और फिर देखें, और उनके पास तो काफी पैसा है, वो तो कईयों के आटा चावल खरीद के दे भी देंगी। तो दोस्तों मुझे ऐसी चीजों के लिए मेरी टिप्पणी ना पूछे, मैं राष्ट्रवादी हूँ, हिंदू हूँ, मुझे गर्व है इस बात पे। एक कहावत है ना हिंदी में, शाणा कौवा गू खाता है। That's me. Yeah, प्यारी समझ गई। हमारी तरफ से तू गू खा, हमने कोई परेशानी नहीं। If you like our videos, do like, share and comment and subscribe for more videos. Till then, be happy, be safe and stay tuned.